स्वागत है साथियों आपका एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था, आज अपन अगला टॉपिक लेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन के अंदर सबसे पहली बात आती है मृदा होती क्या है। अपने भूपृष्ठ या अपनी इस पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। वापस ध्यान से सुनना, अपने भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। अब मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, तो मृदा का निर्माण होता है सबसे पहले जैव पदार्थों और खनिजों के मिश्रण से। जैव पदार्थ और खनिजों के मिश्रण से अपनी मृदा का या मिट्टी का निर्माण होता है। जैव पदार्थों के अंदर क्या क्या सम्मिलित है, जैव पदार्थों में ह्यूमस और वनस्पति सम्मिलित है, और खनिज दो प्रकार के, कौन कौन से खनिज, एक तो चट्टानों से प्राप्त खनिज और दूसरे भूमि में पाए जाने वाले खनिज, इन दोनों के मिश्रण से ही इस मृदा का निर्माण होता है। और इन दोनों के सही मिश्रण से ही, यानी इन दोनों के अनुपात, सही अनुपात में अगर मिश्रण किया जाए तो मृदा क्या बनती है, उपजाऊ, जिसे अपन कहते हैं भूमि उपजाऊ होती है। तो इसको एक बार वापस अपन लिख देते हैं, मृदा का क्या होता है, नंबर दो पॉइंट आपके मृदा, मृदा के अंतर्गत लिख देते हैं मृदा की परिभाषा, भूपृष्ठ यानी पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अगला पॉइंट, मृदा का निर्माण खनिज पदार्थ व जैविक पदार्थों के मिश्रण से होता है। कैसे होता है, जैविक पदार्थ और खनिज पदार्थ के मिश्रण में। खनिज पदार्थ में कौन कौन से खनिज पदार्थों को शामिल किया गया है, नंबर एक चट्टानों से प्राप्त खनिज पदार्थ, और नंबर दो भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। कौन कौन से खनिज पदार्थ हो गए, एक तो चट्टानों से प्राप्त खनिज पदार्थ और भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। जैविक पदार्थों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैविक पदार्थों में नंबर एक आता है ह्यूमस, और नंबर दो आता है आपके वनस्पति। कौन कौन से आते हैं, ह्यूमस और वनस्पति। तो मृदा का निर्माण किससे होता है, खनिज पदार्थों व जैविक पदार्थों के मिश्रण से होता है। और खनिज पदार्थों में चट्टानों से प्राप्त खनिज पदार्थ, भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, और जैविक पदार्थों में कौन कौन से होते हैं, ह्यूमस व वनस्पति। अब अगर अपन बात करें कि ये जो भूमि उपजाऊ है, ये भूमि उपजाऊ कैसे बनती है, तो खनिज पदार्थों में, खनिज पदार्थों में जैविक पदार्थों के सही मिश्रण, जैविक पदार्थों में, खनिज पदार्थों में जैविक पदार्थों के सही मिश्रण से भूमि उपजाऊ बनती है। कैसे बनती है भूमि उपजाऊ, अगर खनिज पदार्थों में सही अनुपात में जैविक पदार्थ मिल जाए, तो खनिज पदार्थ हो गए ये चट्टानों से प्राप्त खनिज पदार्थ और भूमि में पाए जाने वाले खनिज, इन दोनों में अगर ह्यूमस और वनस्पति सही मात्रा में मिल जाए तो क्या होगा, भूमि उपजाऊ हो जाएगी। आगे अगर अपन देखें तो एक सेंटीमीटर पतली मृदा की परत, मृदा की परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, लग
जाते हैं। 1 सेंटीमीटर पतली, इतनी इतनी पतली परत बनने में भी सैकड़ों वर्ष और लग जाते हैं, और हम जिसका उपयोग कृषि कार्यों में करते हैं उसका उपजाऊपन खत्म कर देते हैं। वापस उपजाऊपन बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, और अपन उसका कृत्रिम उपजाऊ बनाने के लिए क्या डालते हैं, कीटनाशक उर्वरक, जो कृत्रिम उर्वरक है उर्वरक, इनका प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है भूमि का उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। भूपृष्ठ यानी पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की परत को ही अपन क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण खनिज पदार्थों या जैविक पदार्थों के मिश्रण से होता है। खनिज पदार्थों में चट्टानों से प्राप्त खनिज और भूमि में पाए जाने वाले खनिज होते हैं, और जैविक पदार्थों में क्या क्या होता है, ह्यूमस और वनस्पति। इन दोनों का सही मिश्रण, किन दोनों का, खनिज पदार्थों और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण, सही अनुपात में अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए तो भूमि उपजाऊ बनती है। और 1 सेंटीमीटर पतली मृदा बनने में कितने सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर पतली अगर भूपृष्ठ पर मृदा की परत बन रही है उसमें सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन देखते हैं आगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो ये अपने भूमि उपजाऊ है या ये जो मृदा है इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आपके सामने एक पिक्चर आ रखी होगी, एक तस्वीर आ रखी होगी, उसको ध्यान से देखिए। इसमें चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है कि इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आपके पास में जो किताब है, मैं जो नाम बोल रहा हूँ वहाँ पर निशान लगा लेना, ये आपके मृदा को प्रभावित करने वाले तत्व होंगे। कौन कौन से हैं, देखो नंबर एक आ रहा है जनक सेल। जनक सेल क्या करता है, इसके रंग गठन रासायनिक गुण तनम खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करता है। उसके बाद में दूसरा प्रभावित करने वाला तत्व है उच्चावच। तीसरा है वनस्पति जात और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस। चौथा है आपके जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर। पांचवा है आपके समय, मृदा परिच्छेदिका और इसकी मोटाई। ये पांचों चीज है वो मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व आपने भी देखे थे, अब अपन आगे चलते हैं। ये मृदा निर्मित तो हो गई, लेकिन इसके निम्नीकरण के क्या कारण है, यानी इसकी गुणवत्ता कम होने के क्या क्या कारण है, अपन यहाँ पर देखते हैं। मृदा की समस्याएं आती है, मृदा अपरदन जैसी समस्याएं होती है, इस मृदा निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। तो अगली हेडिंग अपन लगाएंगे मृदा निम्नीकरण के कारक। मृदा निम्नीकरण के कितने कारक है, दो कारक है। एक तो है आपके मानवीय कारक और दूसरे हैं आपके प्राकृतिक कारक। मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक। मानवीय कारकों के अंदर कौन कौन सम्मिलित है, ध्यान से देखना। एक है वनोन्मूलन और दूसरा है आपके अतिचारण और तीसरा है रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। और प्राकृतिक कारकों में भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारक है, सबसे पहला है वर्षा, नंबर दो अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़, नंबर तीन है आपका भूस्खलन। वर्षा और बाढ़ से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। क्या होता है, मृदा का अपरदन। तो आपके मृदा निम्नीकरण के दो प्रमुख कारण हैं, पहला है मानवीय कारक और दूसरा है आपके प्राकृतिक कारक। मानवीय कारकों में कौन कौन सा है, वनोन्मूलन यानी वनों का उन्मूलन करना, वनों को काटना, ठीक है, यानी इसको कौन करता है, वन को काटने का काम मानव के द्वारा किया जाता है, तो वनोन्मूलन एक मानवीय कारक है। अतिचारण, पशुओं के द्वारा अतिचारण करना, लेकिन इन पशु या मवेशियों को अतिचारण कौन करवाता है, किसी न किसी मानव के द्वारा ही करवाया जाता है।
रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, इसके प्रयोग से भूमि निम्नीकृत होती है, यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। अतिचारण से कैसे आती है कमी? अतिचारण करेगा जो जानवर या मवेशी अतिचारण करेंगे तो इस परत पर जो यहाँ पर वनस्पति रहेगी उसको ये खा जाएंगे, जिससे क्या होगा, ह्यूमस और वनस्पति जो भूमि को उपजाऊ बनाने के महत्वपूर्ण स्रोत थे, इसके साथ में खनिजों को तो वो नहीं खाते लेकिन इन दोनों को वो खत्म कर देते हैं जो इसकी ऊपरी परत पर रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये भूमि निम्नीकृत हो जाती है। तो ये हो गए भूमि निम्नीकरण के कारण। मानवीय कारकों में वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और प्राकृतिक कारणों में वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन। वर्षा और बाढ़ से क्या होता है, मृदा का अपरदन। अब जब निम्नीकृत हो गई है, मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, तो मृदा संरक्षण, इस निम्नीकृत को रोकने के लिए अपन ने क्या कह दिया, मृदा का क्या होना चाहिए, संरक्षण। तो आगे अपन इस अगली हेडिंग अपने रहेगी मृदा के संरक्षण के उपाय, मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो मृदा संरक्षण के उपाय अगली हेडिंग लिखिए। मृदा संरक्षण के उपाय। अब देखिए मृदा संरक्षण का पहला उपाय है मत्स्य निर्माण, दूसरा उपाय है वेदिका निर्माण, तीसरा उपाय है समोच्च रेखीय जुताई, चौथा उपाय है रक्षक मेखला, पांचवा उपाय है चट्टान बांध का निर्माण। इन पांचों को अपन याद करेंगे। अब देखो सबसे पहला है मत्स्य निर्माण, बहुत ही आसान है, बस आपको सुनते जाना है, बस आपको ये पांच याद रखने, इसके आगे जो मैं बता रहा हूं बस आपको अच्छी तरीके से सुनना है। सबसे पहला है मत्स्य निर्माण। क्या मत्स्य होता है, मत्स्य निर्माण क्या होता है, जब दो पौधों के बीच की भूमि, अब यहां से ये पौधे हैं तो ये भूमि और ये भूमि, जैसे ये भूमि है, अब ये भूमि और ये भूमि तो पकड़ कर रह गई, यानी यहां पर तो मृदा का अपरदन नहीं होता, यह मृदा का निम्नीकरण नहीं होगा, लेकिन यहां पर मृदा का निम्नीकरण होगा, यानी दो पौधों के बीच जो भूमि होती है यहां पर मृदा के निम्नीकरण होने के चांस रहते हैं। तो क्या करना है, यहां पर अपने को किसका निर्माण करना है, मच का निर्माण करना है। कैसे होगा यह मच का निर्माण, यहां पर क्या कीजिए, इस स्थान को, जो ये स्थान है भूमि वाला, इस स्थान को सूखे पत्ते से ढक दीजिए, यानी पत्ते हो सकते, सूखे पत्ते हो सकते हैं, घास हो सकती है, इनसे ढक दे से, इससे क्या होगा, यहां पर जल वाष्प बनी रहेगी, यहां जल वाष्प अगर बनी रहेगी तो यहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होता रहेगा, जिससे ह्यूमस का निर्माण होगा, वनस्पति ये रही, खनिज पदार्थ इसके अंदर है, तो धीरे धीरे ये क्षेत्र उपजाऊ होगा। तो ये हो गया मत्स्य निर्माण, यानी सूखी पत्तियों के द्वारा दो पौधों के बीच जो भूमि रह जाती है उसे सूखी पत्तियों से ढक देना ही क्या होता है, मत्स्य निर्माण होता है। बात आ गई होगी आपके समझ में। अब अपन आगे चलते हैं वेदिका निर्माण। वेदिका निर्माण देखो किसे कहते हैं, वेदिका निर्माण, अगर अपने को फसल बोनी है, ये ढाल वाला क्षेत्र है और ये समतल क्षेत्र है, अपने को फसल बोनी है तो यहाँ पर तो बोएंगे मुख्य फसल, इस मुख्य फसल, अगर यहाँ पर केवल मुख्य फसल बो दी गई तो बारिश के दिनों में यहाँ से पानी आएगा और यहाँ पर पानी की अधिक मात्रा होने के कारण ये फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और इसके साथ साथ में ये मृदा भी क्या होगी, यहाँ से अपरदित होती हुई आगे चली जाएगी। तो मृदा की ऊपरी परत ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये उपजाऊ मृदा की सबसे उपजाऊ तो ऊपर वाली परत होती है। अब यहाँ से ये अगर चली गई तो ये उपजाऊपन खत्म हो गया, तो अपने को क्या करना है, इस वेदिका निर्माण के अंदर यहाँ पर भी फसल लगाते आना है, यहाँ पर प्रमुख फसल यहाँ लगा दो लेकिन यहाँ पर भी एक विशेष अलग प्रकार की फसल लगा दो, तो यहाँ पर भी अपने को फसल लगानी है और यहाँ पर भी अपने को फसल लगानी है, जिससे क्या होगा, यहाँ से जो बहता हुआ पानी आएगा अपनी इस मृदा को साथ में लेकर नहीं जाएगा, जब मृदा वहीं रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पर भूमि की गुणवत्ता बनी रहेगी। तो ये होता है आपके वेदिका निर्माण। मत्स्य निर्माण में क्या हो गया, पत्तों से ढकना, वेदिका निर्माण में क्या हो गया, सीढ़ी नुमा जैसी कृषि करना।
आगे होगी ये बात आपके समझ में। अब नंबर तीन पर अपन चलते हैं, समोच्च रेखीय की जुताई। समोच्च रेखीय की जुताई क्या होती है? देखो यहाँ पर अपने आपने एक जुता हुआ खेत देखा ही होगा, ये देखो ऐसा जुता हुआ खेत हो गया, यहाँ पर इस प्रकार जुताई कर दी। लेकिन बारिश के दिनों में अगर केवल ऐसी जुताई कर रखी है तो यहाँ से बीच में से पानी निकल जाएगा और मिट्टी क्या होगी, बहकर आगे चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने थोड़े से खेत को पहले तो ऐसा बो दिया या जुताई कर ली, उसके बाद में कुछ इस प्रकार भी जुताई कर दो, जिससे क्या होगा, जो ढाल रहेगी पानी की यहाँ तक आएगा पानी और इन भागों के अंदर बंट जाएगा, जिससे मृदा यहीं पर रुक कर रह जाएगी और आपकी भूमि की जो ऊपर वाली परत है वो आपके ही कृषि क्षेत्र के अंदर रहेगी। यानी जो अपन जुताई करते हैं जिस खेत की, उसमें इस प्रकार एक भाग इस प्रकार जुताई करना है, दूसरा भाग इस प्रकार जुताई करना है, जिससे आपकी जो भूमि के अंदर जो भूमि की परतें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है उपजाऊपन के लिए, वो आपके कृषि क्षेत्र में रहे। नंबर चार पर अपने आएगा रक्षक मेखला। आपको पता होगा और आपने कई बार देखा भी होगा कि खेतों के चारों ओर मेघ बनाने से बेहतर होता है, काफी सारे लोग यहां पर क्या लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, यहां पर क्या लगाते हैं, वृक्षों का निर्माण करते हैं, ये यहाँ पर क्या लगाते हैं, वृक्षों का, जिससे क्या फायदा होता है आपके, जब यहाँ पर बारिश के दिनों में ये पानी निकलता है तो यहाँ पर वृक्षों की जड़ें होती है इसको जो मृदा होती है पकड़ कर रखती है, और अन्य जो मिट्टी बहकर आती है उसको भी यहाँ पर रोक ली जाती है। तो इसके कारण रक्षक मेखलापन किससे लगाएंगे, बनाएंगे वृक्षों से, किससे बनाएंगे, वृक्षों से, वृक्षों से एक रक्षा करने वाली मेखला सीधी लाइन का निर्माण करना। ये खेतों के चारों ओर मेटों पर लगाई जाती है, खेत की बाउंड्री पर लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है, जो ऊपर वाली परत होती है, जो सबसे उर्वरक मिट्टी होती है, वो यहीं पर रुक जाती है, वो बारिश के दिनों में पानी के साथ में आगे नहीं जाती है। ये रक्षक मेखला भी आपने आपके आस पड़ोस खेतों के अंदर देखा होगा। अब नंबर चार, नंबर पांच पर आता है आपके चट्टान बांध का निर्माण। चट्टान बांध के निर्माण से क्या तात्पर्य है, चट्टान बांध का मतलब होता है, आपको पता है ये बारिश के दिनों में इस प्रकार पानी है वो यहाँ इस क्षेत्र में बहेगा, तो आपको क्या करना है, आपके इस क्षेत्र में यहाँ पर एक बड़े पत्थर को या बड़े चट्टान नुमी पत्थर को या पत्थरों से चट्टान को बनाकर यहाँ पर लगा देना है, जिससे क्या होगा, पानी यहाँ से जो मृदा लेकर आएगा वो यहाँ पर रह जाएगा और पानी दो धाराओं में बंटकर आगे चला जाएगा। जब पानी दो धाराओं में बंटकर आगे चला जाएगा तो यहाँ पर वो मिट्टी ज्यादा मात्रा में आगे नहीं ले जा पाएगा। तो अपन ये जो ये चट्टान का निर्माण करते हैं इसी को ही अपने नाम क्या दिया है, चट्टान बांध। पानी तो आगे निकल जाएगा इन दोनों रास्तों से छोटी सरिताओं में विभक्त होकर, लेकिन अब यहाँ पर मिट्टी है वो रुक जाएगी। बात आ गई क्या समझ में, तो यहाँ पर मृदा संरक्षण के उपाय कितने हो गए, पहला मच निर्माण, पत्तों से ढकना मिट्टी को, वेदी का निर्माण, सीधी दुनुमा खेती के अंदर सीधी पर भी अपने को फसल लगानी है और नीचे समतल भाग पर भी फसल लगानी है, समोच्च रेखीय सीधी रेखाओं में और आड़ी रेखाओं में कृषि करना, ये समोच्च रेखीय हो गई, रक्षक मेखला चारों ओर बाउंड्री पर वृक्ष का निर्माण, चट्टान बांध एक पानी की धारा में पत्थर निर्मित चट्टान बनाना, तो ये हो गया चट्टान बांध का निर्माण। ये तो हो गए अपने मृदा संरक्षण के उपाय, तो ये अपने कंप्लीट हो गया है मृदा संसाधन। अगले वीडियो में अपन अगले संसाधन की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है जल संसाधन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।